Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The first thing you have to do, upload data set. So browser file पे मैं क्लिक करके यहाँ पे जो data set मैंने use की हुई है वो है customer data set. So मैं इसको यहाँ पे select करता हूँ. You can see this is the data set. Now you have couple of options. यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि data set के बारे में जान सको, then you can click on about data set. Like if I click on this button, it will provide me the information about that data set. Okay. It also generating me data frame sample. It's taking time, I don't know why, but yeah, this is data frame info. You have this information about the data set. उसके बाद यहाँ पे आप columns भी check कर सकते हो. Like ये है आपका data frame sample. So this is the tabular data set जो आपने upload किया. उसके बाद data frame information. And उसके बाद column names and their data types. So you have customer ID, age, gender, tenure, different columns. ठीक है. उसके बाद आपने यहाँ पे missing values के भी, को भी check किए हैं. And you have some statistic about all the columns. Like in statistic आपके पास count है, unique values है, top frequency है, mean value है हर feature का, standard deviation है, minimum value and all the three percentile, first, second and third percentile. So this is some kind of basic statistic about all the features. Now if you want to view customer statistics, then you can click on this customer statistic button. So this is customer statistic. Average age is data set के अंदर, यानी ज़्यादातर लोग जो है उनकी age 40 के करीब है. Average tenure यानी customer जो किस जो company का है या किसी organization में काम करता है उनमें ज़्यादातर लोगों ने 31 years spend किए हैं या tenure है उनकी. Total spend is this value, average support calls 3.6. ये चीज़ें हम थोड़ी देर बाद discuss करने वाले हैं. Churn rate is this and payment delay in standard deviation is this. I think it's days में है, यानी जो payment delay है वो 8 days average है यहाँ पे. If you want to view future inside about this data set, you can click on this future inside button. Okay. अब यहाँ पे future inside मतलब on the basis of this information, you can view like projected total spend next year. So this is the value which is quite maximum. Projected churn next year. यहाँ पे churn का मतलब है कि ये जो customer है वो इस company से खुश है या ना खुश. So यहाँ पे average next year prediction है churn के लिए this value which is again maximum. Projected support calls could be increased. उसके लिए जो value दिया है future insights में वो है 3.96. And you have payment delay, you have subscription upgrades and you have tenure growth. यानी 37 तक ग्रोथ कर सकता है फ्यूचर में. बट इफ़ यू वांट द डैशबोर्ड, इफ़ यू वांट टू व्यू द इनसाइड फ्रॉम टू ग्रेब और स्क्रैच ऑल द इंफॉर्मेशन इन ग्राफ और प्लॉट्स, देन यू कैन क्लिक ऑन दिस डैशबोर्ड बटन. सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यू विल बी एबल टू व्यू ऑल द ग्राफ्स एंड प्लॉट्स वी हैव जनरेटेड डायनामिकली फ्रॉम दिस डेटा सेट. ओके. एज यू कैन सी कस्टमर डैशबोर्ड, द फर्स्ट इज एज डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद आपके पास एवरेज स्पेंड टाइम, सब्सक्रिप्शन टाइप, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन पाई प्लाट में. ये चीज़ें मैं बाद में आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, बट अभी के लिए मैं जस्ट आपको इस सिस्टम की जो आउटपुट है या जो डैशबोर्ड की फंक्शनैलिटी है वो बता रहा हूँ. टोटल सेपरेंट कॉन्टेक्ट लेंथ यहाँ पे 3 थे, एनुअल, मंथली एंड क्वार्टरली. उसके बाद आपके पास चर्न रेट बाय जेंडर एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन बाय जेंडर. आप इस पर अगर हावर करो तो आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप इसको अगेन मिनिमाइज कर सकते हो. सो यू कैन सेपरेटली व्यू ऑल द प्लॉट. नाउ द फर्स्ट थिंग वी विल यूज पाइथन एंड स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी फॉर दिस एंटायर प्रोजेक्ट. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो मैंने पाइचार्म ओपन की हुई है जिसमें हम अपना कोड इम्प्लीमेंट करेंगे. साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जुपिटर नोटबुक भी ओपन किया है ताकि हम डेटा सेट को यहाँ पे साइड बाय साइड एक्सप्लोर कर सकें. नाउ इन पाइचार्म द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू इम्पोर्ट स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी. ओके, एज एस टी. अब ये जो, लेट मी करेक्टली डू इट, स्ट्रीमलेट एज एस टी. अब सबसे पहले काम मैंने ये करना है कि मैं पाइथन की मेन बनाऊंगा, यानी पाइथन मेन फंक्शन. सो अब पाइथन मेन कुछ इस तरह बनाता हूँ. मैं यहाँ पे कमेंट डालता हूँ पाइथन मेन फंक्शन. ठीक है. अब यहाँ पे मैं इफ़ के साथ ये कीवर्ड यूज़ करके, दिस आर बिल्ट इन थिंग्स, यानी पाइथन मेन यहाँ पे हम बना रहे हैं.
ठीक है। और यहाँ पे फिर आप देते हो मैन, कुछ इस तरह पाइथन मैन बनाते हो। अब इस पाइथन मैन के अंदर सबसे पहले मैं इस ऐप को क्रिएट कर लूँगा यूजिंग स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट टाइटल सेक्शन। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एस टी लाइब्रेरी को कॉल करके, जस्ट सिंपल टाइटल फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कस्टमर चन डैशबोर्ड, डेटा एनालिसिस डैशबोर्ड, डेटा एनालिसिस डैशबोर्ड। और यहाँ पे एस टी के अंदर जाके सब हेडर कॉल करता हूँ, और यहाँ पे मैं बल्कि क्या करता हूँ, लेट मी कट दिस पार्ट लाइक दिस पार्ट, कस्टमर चान ऐप मैं इसको नाम देता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ डेटा एनालिसिस डैशबोर्ड विद विजुअलाइजेशंस एंड फ्यूचर इंसाइट्स। और उसके बाद एस टी डॉट राइट के अंदर मैं सिंपली अपने इंटरफेस को बेटर बनाने के लिए ये लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब सबसे पहले आपने जाना है टर्मिनल के अंदर, और टर्मिनल के अंदर यू नीड टू इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी विद पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। चूंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करने वाला। अब मैंने इस ऐप को रन करना है ताकि मैं इसको व्यू कर सकूं, तो उसके लिए आपको अपने टर्मिनल के अंदर यहाँ पे टाइप करना होता है स्ट्रीमलेट रन, और उसके बाद जो भी आपने नाम दिया है इस फाइल को, जैसे कि मैंने नाम दिया है डैशबोर्ड डॉट पाई, आपने एग्जैक्टली यहाँ पे यही टाइप करनी होगी। सो डैश बोर्ड डॉट पाई, द मोमेंट आई एंटर मेरा ये जो वेब ऐप है ऑटोमेटिकली क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। सो यू कैन क्लियरली सी दिस इज़ द ऐप। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक साइड बार बना लें, और वहाँ पे हम डेटा अपलोड वाली फंक्शनैलिटी ऐड करें। सो इसी मेन के अंदर अब देखना हम प्रोसेस को सिंपल बनाते हैं, ठीक है। मैं इसको हल्का सा जूम इन करके इस कंप्लीट प्रोसेस को हम आसान बनाते हैं। इस मेन से ऊपर मैं पाइथन की कस्टम फंक्शन बनाऊंगा, और इनको मैं नाम देता हूँ कस्टम पाइथन हेल्पर फंक्शंस, जो मेरी हेल्प करेगा, ठीक है। ये लाइन मैं कुछ इस तरह ड्रा करता हूँ क्योंकि ये कोड मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नाउ फॉर नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट। अब चूंकि हमने साइड बार बनानी है तो मैं यहाँ पे कमेंट डालता हूँ साइड बार हेयर, कुछ लाइक दिस, ठीक है। सो साइड बार के अंदर आप क्या करते हो, स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी डॉट साइड बार फंक्शन को कॉल करके सबसे पहले आप एक हेडिंग डालते हो, जो इसे कि मैं यहाँ पर टाइटम नाम देता हूँ चन एनालिसिस। और उसके बाद साइड बार के अंदर हमने फाइल अपलोड करनी है। सो एस टी डॉट साइड बार डॉट अपलोडर, फाइल अपलोडर फंक्शन आप कॉल कर लें, और यहाँ पे दो पैरामीटर देते हो। पहले मैं जस्ट आप कह सकते हो लाइक एक मैसेज दे सकते हो चूज़ अ सी एस वी फाइल, सेकेंड में आप टाइप देते हो बिकॉज यू हैव डिफरेंट फाइल्स एक्सटेंशन लाइक यू हैव लाइक टी एक्स टी फाइल, पी डी एफ फाइल, वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल एंड सी एस वी फाइल, एक्सेल फाइल। सो करेंटली दिस सिस्टम ओनली सपोर्ट सी एस वी फाइल, अदरवाइज आप इसको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, बट या फॉर नाउ दिस विल सपोर्ट ओनली सी एस वी फाइल। और जैसे मैं अपलोड कर दूँ इसको, मैं कहता हूँ अपलोडेड फाइल। अब सबसे पहले मैंने एक चेक लगानी होगी कि इफ़ अपलोडेड फाइल इज़ नॉट नन, यानी अगर अपलोड हुआ है मतलब अभी खाली नहीं है, अपलोड हुआ है तो अब हम इसको पेंडाज लाइब्रेरी की मदद से इसको रीड कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आके पेंडाज लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी और इंपोर्ट भी करनी होगी। सो इम्पोर्ट पांडाज एज पी डी। आई होप आपको अगेन टर्मिनल में जाके ये आइडिया होना चाहिए कि आप इसको अगेन किस तरह इंस्टॉल करते हो। सिंपली टर्मिनल में टाइप करना पिप इंस्टॉल पांडास, तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ डी एफ पी डी डॉट रीड सी एस वी, और इसको पास करता हूँ अपना अपलोडेड फाइल, ठीक है। सो ये आपका अपलोड हो। सो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाऊँ, नाउ यू वुड सी अ साइड बार
एज यू कैन सी दिस इज़ अ साइड बार, और यहाँ पे आप कोई फाइल अपलोड कर सकते हो, जैसे कि हमारे केस में ये डाटा सेट है। ये डाटा सेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, बट या ये आपका सिस्टम क्रिएट हो गया। अब हम आते हैं जुपिटर नोटबुक में, और सबसे पहले इस डाटा को यहाँ पर लोड करके थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। सो यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे भी मैंने पिंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट की हुई है और इस डाटा को सिंपली रीड किया हुआ है। सो मैंने यहाँ पे इसको रीड किया। नाउ द फर्स्ट थिंग, मैं यहाँ पे पाइचाम के अंदर जाके साइड बार में यहाँ पे एक कमेंट डालता हूँ, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू अबाउट डाटा सेट, यानी हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं इस डाटा से। सो उसके लिए एक बटन हमने क्रिएट करना होगा। तो आप बटन किस तरह बनाते हो, स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी के अंदर हमेशा आप इफ स्टेटमेंट के साथ, इफ स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी डॉट साइड बार में मुझे बटन चाहिए, तो मैं साइड बार के ऊपर बटन फंक्शन को कॉल करके और इसको कहता हूँ अबाउट डाटा सेट। अभी के लिए कुछ नहीं है इस डाटा के बारे में, मैं इसको पास करता हूँ। बट यस, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और इसको रिफ्रेश मारूँ, यू वुड सी अभी एक बटन आ गया अबाउट डाटा सेट। ठीक है, सो लेट्स डू दिस फंक्शनैलिटी अबाउट डाटा सेट। अबाउट डाटा सेट के अंदर सबसे पहले हमने डीएफ की सैंपल निकालनी है। सो आप डीएफ के ऊपर सैंपल फंक्शन को कॉल कर सकते हो, जो कि बहुत सिंपल है। मुझे अभी के लिए 10 रोज चाहिए और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ डीएफ सैंपल। इसको समझना, अगर मैं यहाँ पर डी एफ सैंपल को कॉल कर दूँ, दिस इज़ रेंडमली 10 रोज फ्रॉम ऑल डाटा। सो ये हमने रेंडमली जस्ट 10 रोज सैंपल जुटाए ताकि हम यूज़र को दिखा सकें। द नेक्स्ट थिंग, वी हैव टू गैदर डी एफ लेंथ। तो बहुत सिंपल है, उसके लिए आप शेप मेथड को यूज़ करते हो। उप्स, शेप को आप कलेबल नहीं कर सकते। दिस इज शेप विच इज़ 44 440,833, ठीक है, विद 12 कॉलम्स। अब ये 0 इंडेक्स पे पड़ा है, ये 1 इंडेक्स पे पड़ा है, तो मुझे जस्ट इसकी शेप चाहिए और इसको यानी साइज चाहिए, तो मैं इसको कह सकता हूँ साइज। सो अब मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन तो आ गए। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने इसकी पूरे डेटा की इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इन्फो, उसके बाद डी एफ डॉट इन्फो मैथड को कॉल करता हूँ। सो अगर मैं इन्फो दिखाऊँ, यू वुड सी इन्फॉर्मेशन का मतलब यह है कि इस डेटा के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उनकी उनके अंदर काउंट कितनी है, क्या कोई मिसिंग वैल्यू है और उस कॉलम का डेटा टाइप क्या है। तो सिंपली हमारे पास ये भी आ गया। थर्ड स्टेप के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं कॉलम्स की डेटा टाइप्स गेट कर सकूँ, तो उसके लिए आप एक वेरिएबल बना सकते हो लाइक कॉलम्स, और फिर df के ऊपर डेटा टाइप्स फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो आप हर कॉलम का या पे हर कॉलम का आप ये देखिए डेटा टाइप्स, मुझे चाहिए जस्ट कॉलम और डेटा टाइप्स। सो अगर हम एक और काम करें या पे टेक्निकली अगर बात करें, इसके लिए मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल चाहिए। मैं अभी के लिए अगर यहाँ पे आओ और इंपोर्ट मारो इनपुट सॉरी आईओ मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जो आप जब आप अपने सिस्टम के साथ डील करते हो, तो उसके लिए आपको इनपुट आउटपुट मॉड्यूल चाहिए। सो इसके अंदर एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग आईओ, स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट। अगर मैं स्ट्रिंग इस आईओ के अंदर जाके स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट को कॉल करके इसको एक वेरिएबल में स्टोर करूँ, ये मुझे बेसिकली बफर देगा। दिस थिंग इज़ ऑप्शनल बट है ज़रूरी। और उसके बाद अगर मैं df के ऊपर इन्फो मेथड को कॉल करके और इसके अंदर एक पैरामीटर होता है बफ, उसको अगर मैं पास कर दो अपना बफर जो मैंने डिफाइन किया है, नाउ यू विल हैव दिस इन्फो सेपरेटली लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इन्फो दिखाऊँ df डॉट इन्फो बफर विल बी इक्वल टू बफर इट शुड गिव मी। अच्छा एक काम करते हैं, ये df के ऊपर जो आपने इन्फो कॉल किया इसको आप वेरिएबल के बजाय सेपरेट कर दें, और अब यहाँ पे आपने जो बफर बनाया है इसके अंदर जाके गेट वैल्यू फंक्शन को कॉल कर सकते हैं लाइक दिस। Now you would see. Now you can clearly see we are getting the input. But हमारा main objective क्या था, वो ये था कि हम just columns के लिए data types निकालें। तो अब आपका data type पूरा का पूरा info के अंदर buffer में गया है। So now if you just call
लाइक दिस यू विल गेट कॉलम एंड देयर कॉरिस्पॉन्डिंग डेटा टाइप्स. द फाइनल स्टेप वी हैव टू डू, बल्कि फाइनल नहीं, हमने अब मिसिंग वैल्यू भी निकालने होंगे. दिस आर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा सेट. सो डी एफ के अंदर जाके आप इज नल मैथड को कॉल करके इसके ऊपर सम को कॉल करते हो, और फिर यहाँ पे आप एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर सकते हो लाइक मिसिंग वैल्यूज. सो ये आपके पास मिसिंग वैल्यूज हो जाएंगे, और मैं कह सकता हूँ मिसिंग वैल्यूज लाइक दिस. लास्ट स्टेप अबाउट डेटा सेट इज वी हैव टू गेट स्टैटिस्टिक्स. सो उसके लिए आप डिस्क्राइब मेथड को यूज़ करते हो. आ जाना भाई डी एफ डॉट डिस्क्राइब. सो यू विल सी दिस इज़ द स्टैटिस्टिक, बट अभी के लिए जस्ट न्यूमेरिक कॉलम्स के बारे में बताता है, लेकिन मुझे तमाम के तमाम चाहिए. तो उसके लिए आप एक पैरामीटर पास करते हो लाइक इंक्लूड, और इसमें आप कह सकते हो ऑल, और मैं एक वेरिएबल में इसको स्टोर करता हूँ लाइक स्टैट्स. सो ये क्या करेगा, आपके डेटा के अंदर जितने भी फीचर्स है लाइक कॉलम्स, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या कैटेगोरिकल, उन सब का स्टैटिस्टिक्स आपको देगा. स्टैटिस्टिक में क्या होता है, आपके पास अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड, इट शुड बी इन, ओके स्पेलिंग मिस्टेक, इंक्लूड. नाउ यू कैन सी फॉर ऑल द फीचर्स लाइक ऑल द स्टैटिस्टिक्स, टॉप वैल्यू, फ्रिक्वेंसी, मिनिमम, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ. अब हम क्या करेंगे, कस्टम पाइथन फंक्शन बनाएंगे. तो मैं इन हर चीज़ को यहाँ से हटा के यहाँ पे दोबारा आता हूँ, एक कस्टम फंक्शन बनाऊँगा जिसको मैं नाम देता हूँ अबाउट डी एफ, जिसके पास एक डाटा आएगा और यह फंक्शन मुझे यह हर चीज़ पलट के देगा. सो मैं इसको नाम देता हूँ इम्पोर्ट आयो, उसके बाद फंक्शन को नाम देता हूँ डेफ अबाउट डी एफ, इसके पास एक डाटा सेट आएगा, और इस फंक्शन को यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ और इसको मेक डाटा सेट पास करता हूँ, और अब वो सारा का सारा कोड इस फंक्शन के अंदर करके वो मुझे पलट के वो इन्फॉर्मेशन देगा जो मुझे चाहिए था, और उन तमाम इन्फॉर्मेशन को मैं सिंपली प्रिंट करता हूँ. ठीक है, सो दिस इज़ द फंक्शन. ठीक है, जस्ट लेट मी कॉपी अगेन लाइक यहाँ पे सेलेक्ट ऑल एंड कंट्रोल वी. सो लेट मी एक्सप्लेन क्विकली. दिस इज़ द फंक्शन अबाउट डी एफ, जिसके पास एक डेटा आ रहा है, वो हमें सैम्पल भी दे रहा है, साइज भी दे रहा है, इन्फो भी दे रहा है, कॉलम्स विद कॉरिस्पॉन्डिंग डेटा टाइप्स भी गेट करके दे रहे हैं, आल्सो मिसिंग वैल्यूज एंड स्टेटिस्टिक्स, और ये यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं. सो फंक्शन कॉल करने के बाद जिसका नाम है अबाउट डी एफ, वी आर आल्सो गेटिंग द सेम इन्फॉर्मेशन राइट हियर एंड वी आर प्रिंटिंग कॉरिस्पॉन्डिंगली. सो लेट मी रन इट नाउ. इन द आउटपुट यू विल सी दिस इज डेटा सैम्पल, राइट, दिस इज द एंटायर डेटा सैम्पल, और उसके बाद आप यू आर आल्सो गेटिंग डेटा फ्रेम साइज एंड यू आर आल्सो गेटिंग डेटा सेट इंफॉर्मेशन लाइक दिस एंड यू आर आल्सो गेटिंग कॉलम नेम्स विद कॉरिस्पॉन्डिंग डेटा टाइप्स, यू आर आल्सो गेटिंग मिसिंग वैल्यूज एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, अब हम एग्जैक्टली यही फंक्शन, अगर मैं इस वाले फंक्शन को कॉपी कर दूँ यहाँ से कंट्रोल सी और चले जाओ पाइथन में, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट कस्टम फंक्शन. अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ आयो मॉड्यूल, और यहाँ पे हमारा पहला कस्टम फंक्शन है. ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना, दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन जो मेन से ऊपर है. अब चूँकि हमारा बटन ये है, अगर मैं आपको यहाँ पर आके दिखाऊँ, दिस इज़ द बटन, जैसे आप इस बटन पर क्लिक करते हो तो अबाउट डेटा सेट इन्फॉर्मेशन आता है. तो हम इस बटन के क्लिक पे उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, यानी बेसिकली अब इस बटन के क्लिक पे हमने अबाउट डी एफ फंक्शन को कॉल किया और उसको अपना डेटा सेट पास किया. अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को यहाँ पे एक एम्प्टी डेटा सेट बनाता हूँ. ठीक है, और पेंडास लाइब्रेरी डाटा फ्रेम की मदद से मैं एक एम्प्टी डाटा सेट बना रहा हूँ, और अपलोड करने के बाद अब इस एम्प्टी डाटा सेट के अंदर अपने डाटा को स्टोर कर रहा हूँ ताकि मैं फर्दर इसको आगे यूज़ कर सकूँ. सो अबाउट डी एफ फंक्शन को कॉल करने के बाद मैंने उसको अपना डाटा पास किया और पलट के उस फंक्शन ने मुझे डाटा सेट की सैम्पल, साइज, इंफॉर्मेशन, कॉलम, मिसिंग वैल्यूज एंड स्टैटिस्टिक करके दे दिया. लेट्स प्रिंट वन बाई वन ऑल दिस. सो फर्स्ट वी हैव टू प्रिंट डिस्प्ले द रिजल्ट्स. सो डिस्प्ले रिजल्ट्स.
Now the first result I want to print df sample. So st dot write function के अंदर मैं अपना df sample देता हूँ, ठीक है। लेकिन एक काम करते हैं, सबसे पहले इस बटन के क्लिक पे हम यहाँ पे एक st sub header जनरेट करते हैं और इसके अंदर कहते हैं कि this is about data set section. So यहाँ पे भी मैं एक सब हेडर ऐड करता हूँ लाइक एस टी डॉट सब हेडर और यहाँ पे मैं सिंपली कहता हूँ डाटा फ्रेम सैम्पल, डाटा फ्रेम सैम्पल लाइक दिस। सो इफ आई गो टू माय वेब ऐप एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस स्पीक ग्रेटर देन जीरो अनलेस नो सैम्पल डॉट होंगे, लेट मी रिफ्रेश इट, वी आर गेटिंग सम काइंड ऑफ एरर, वी विल सी दैट अ बिट लेटर, बट लेट मी रीलोड एंड लेट मी अपलोड द डाटा सेट वंस अगेन अबाउट डाटा सेट, सो वी आर गेटिंग, ठीक है, क्योंकि मैंने रिफ्रेश नहीं किया था। अब आप देख सकते हो डाटा फ्रेम सैम्पल। अब नीचे बाकी जो इन्फॉर्मेशन है क्विकली हम उनको भी यहाँ पे प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एस टी डॉट सब हैडर, हमारे पास डाटा सेट की साइज होनी चाहिए, सो डाटा फ्रेम साइज, और यहाँ पे आके मैं एस टी डॉट राइट के अंदर जस्ट साइज को कॉल करता हूँ। सो मैं क्विकली बाकी तमाम के लिए करता हूँ फिर आपको रिजल्ट। सो नाउ वी हैव साइड बार बटन के अंदर सबसे पहले सब हेडर अबाउट डाटा सेट, फिर वो तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गेट करके हमने सबसे पहले साइज सैम्पल दिखाया, साइज दिखाया, उसके बाद इन्फो दिखाया, और उसके बाद हमने कॉलम्स विद कॉरस्पॉन्डिंग डाटा टाइप्स दिखाए, देन वी हैव डिस्प्लेड मिसिंग वैल्यूज एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स। सो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और इसको अगेन रिफ्रेश करके डाटा सेट को वंस अगेन अपलोड करके दिखाओ एंड क्लिक ऑन दिस अबाउट डाटा सेट बटन, दिस टाइम यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। सो इन दिस सेक्शन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रिंटिंग द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट डाटा सेट लाइक सैम्पल साइज, डाटा फ्रेम इन्फो, देन कॉलम नेम्स एंड टाइप्स लाइक दिस, एंड मिसिंग वैल्यूज यू कैन सी, एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो वी आर डूइंग ऑल द थिंग्स राइट हियर। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो था वो ये है कि अगर मैं पहचान में आऊँ, अब हमने कस्टमर स्टैटिस्टिक्स के लिए कोड करना होगा। सो मैं इस वाले को कॉपी करके, मैं अभी के लिए मेन के अंदर ये सारा काम कर रहा हूँ। फ्लो को समझना, प्रोजेक्ट की फ़्लो बहुत ज़रूरी है स्पेशल बिगिनर के लिए। सो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और अब हमारे पास होनी चाहिए कस्टमर स्टैटिस्टिक्स लाइक दिस। सो अब यहाँ पे मैं एक बटन बनाऊँगा अगेन इफ एस टी डॉट साइड बार के अंदर जाके बटन को कॉल करता हूँ और इसको नाम देता हूँ कस्टमर स्टैटिस्टिक्स, और अगेन अब इसके अंदर मैं अपना सारा फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके कहूँगा। बट फर्स्ट लेट मी शो यू, उप्स, अगर मैं यहाँ पे आके इसको एक बार रिफ्रेश करके दिखाऊँ। सो अब हमारे पास एक और बटन आ गया कस्टमर स्टैटिस्टिक्स। सो मैं यहाँ पे आता हूँ जुपिटर नोटबुक में और अब हम बेसिक स्टैटिस्टिक अबाउट डेटा सेट के बाद ये होना चाहिए कस्टमर स्टैटिस्टिक्स। सो लेट्स इम्प्लीमेंट द कोड फॉर दिस एज। सो सबसे पहले मैं जो हमारे डेटा के अंदर अगर मैं जाऊँ तो हमारे डेटा में एज कॉलम, ये ज़ीरो इंडेक्स पे है, एज फर्स्ट इंडेक्स पे है, जेंडर सेकंड इंडेक्स, टेन्योर थर्ड इंडेक्स। सो मैं इन इंडेक्स के थ्रू इन कॉलम्स को निकालूंगा। सो मुझे एज निकालना है यानी एज का तमाम डेटा। सो इसके लिए मैं आई लॉग फंक्शन यूज़ करूँगा इंडेक्स लोकेशन वाइज। सो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तमाम रोज़ निकालूँ लेकिन सिर्फ एज कॉलम। सो नाउ यू वुड सी दिस इज़ ओनली एज कॉलम्स ऑल डेटा सेट, बट मुझे इसका मीन चाहिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टैटिस्टिक ऑफ कस्टमर और इसको मैं नाम देता हूँ एवरेज एज, ठीक है, एवरेज एज हमने निकाला। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, थर्ड कॉलम अगर मैं डी एफ के अंदर जाऊँ, 0, 1, 2, 3 मैं टेन्यूर निकालना चाहता हूँ। सो उसके लिए मैं अगेन आई लॉग मेथड लगा के तमाम रोज, एंड उसके लिए मुझे थर्ड इंडेक्स दे के उनका भी मीन निकालना है। सो आई वांट कि कस्टमर ने, जैसे कि यहाँ पे कस्टमर है जिसने 39 साल काम किया है, एक है 49, एक है 14 साल, तो मैं इस कंप्लीट टेन्यूर का एवरेज निकालना चाहता हूँ। सो
अगर आप देखो यू वुड सी 31, 31 इज द एवरेज टेन्योर, राइट। सो अब इसको भी मैं कह सकता हूँ लाइक एवरेज टेन्योर, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। सो वीडियो को छोटा बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आई हैव 3 मोर स्टैटिस्टिक्स, वो भी आप इंक्लूड करके एक फंक्शन बनाता हो और फिर वो सारा स्टैटिस्टिक यानी स्टैटिस्टिक का कोड डाल के उस फंक्शन को कॉल करके रिजल्ट आपको दिखाता हो, ठीक है, ताकि जस्ट हम अपना टाइम सेव करें क्योंकि आगे हमने प्लॉट्स भी जनरेट करने। सो यहाँ पे देखना, मैं इसको रिप्लेस करता हूँ और कंट्रोल वी मारता हूँ। एक फंक्शन है जिसका नाम है कस्टमर स्टैटिस्टिक्स और इसके पास एक डेटा सेट आ रहा है जब इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। और इसके अंदर सबसे पहले मैं एवरेज एज निकाल रहा हूँ ऑल कस्टमर्स का, एवरेज टेन्योर निकाल रहा हूँ, टोटल स्पेंड निकाल रहा हूँ। टोटल स्पेंड के लिए हमने क्या किया कि 9 इंडेक्स पे पड़ा जो टोटल स्पेंड कॉलम था, यानी कितने घंटे काम किया है, आई थिंक टोटल स्पेंड का ये मतलब है, उस पर सम फंक्शन को कॉल किया। तो ये क्या करेगा, टोटल 44 लाख कस्टमर थे, सॉरी 4 लाख आई थिंक करीब थे 5 लाख के, तो उन सब का सम करके आपको देगा टोटल स्पेंड, जो कि बहुत बड़ा वैल्यू होगा। उसके बाद एवरेज सपोर्ट कॉल्स हमने निकाला, वो 5 इंडेक्स पे पड़ा था तो उनका मीन हमने निकाला। चरन रेट हमने निकाला, चरन रेट 11 इंडेक्स पे पड़ा था, सबसे पहले वो कॉलम हमने निकाला और उसका मीन निकाल के 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि चरन के अंदर आपके पास दो वैल्यू है, 1 और 0। 1 रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो कस्टमर है वो नाखुश है, चरन रिप्रेजेंट करता है, एंड 0 रिप्रेजेंट करता है नॉट चर्न, यानी खुश है इस कंपनी से, इस ऑर्गेनाइजेशन से, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द इनपुट फीचर्स। एंड पेमेंट डिले स्टैंडर्ड डिविएशन, पेमेंट डिले है कि आपने कस्टमर को पेमेंट में कितना डिले किया ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ने, तो वो 6 इंडेक्स पे पड़ा था और उसका हमने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला। स्टैंडर्ड डिविएशन इसलिए निकाला कि लेट्स से हमारे पास जो कस्टमर है, मान लेते हैं कि 10 कस्टमर हैं, एक वैल्यू है पेमेंट डिले में 10, मंथ से आगे 10 दिन निकल चुके हैं, और उसके बाद एक और है 15 डेज, उसके बाद एक और है 9 डेज, 8 डेज, लेट्स से 2 डेज। तो अब ये मंथ एक कस्टमर है जिसको अपने मंथ पे पेमेंट के बजाय मंथ से नेक्स्ट अगले 10 दिन पेमेंट किया, सो 10 डे डिले है, इसी तरह 15 डे डिले। सो अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन यानी स्कैटरनेस केप वैल्यू में, और उनका हम यहाँ पे बेसिकली एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। सो ये है स्टैंडर्ड डिविएशन। उसके बाद मैंने जस्ट इसका एक डाटा सेट बनाया बाय द नेम ऑफ स्टैटिस्टिक्स विद कॉरेस्पॉन्डिंग नेम्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, जो बेसिकली ये वैल्यूज हैं। अब जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हो, यू विल सी नथिंग, सो वी हैव टू कॉल दिस फंक्शन। सो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे स्टेट्स के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और अपना कस्टमर स्टैटिस्टिक फंक्शन को कॉल करके उसको अपना डीएफ पास करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे स्टेट्स आपको दिखाऊँ, यू विल सी दिस थिंग, लेकिन ये एक डिक्शनरी है तो मुझे प्रॉपर सेपरेट वैल्यू यहाँ पे दिखाने होंगे। तो उसके लिए फिर हम हमेशा की तरह जुगाड़ू टेक्निक यूज़ करते हैं। जुगाड़ू टेक्निक इन द सेंस कि हमने लूप चलाना होगा इस डिक्शनरी के ऊपर। तो डिक्शनरी से आप दो चीज़ें निकाल सकते हो, दिस इज़ द की एंड दिस इज़ द वैल्यू। तो आप अपने स्टेट के ऊपर जाके आइटम्स को कॉल कर सकते हो और इसकी मदद से आप फिर की एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल सकते हो। सो मैं प्रिंट करता हूँ यूजिंग एफ स्ट्रिंग। सबसे पहले मैं यहाँ पे की को प्रिंट करता हूँ लाइक दिस, और इसके आगे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, लेकिन ये बड़े बड़े वैल्यू है तो मैं राउंड ऑफ करना चाहता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो उसके लिए आप पाइथन मैथमेटिक्स राउंड फंक्शन यूज़ कर सकते हो। इसको आप वैल्यू विद टू वैल्यू, मैं इसको राउंड करना चाहता हूँ, राउंड अप। ये कह रहा है कि आपने लूप के अंदर गलती की है और ये है आपकी। सो हमने क्या किया, अपने स्टेट्स के ऊपर जाके आइटम्स निकाले। आइटम्स एक फंक्शन है जो आप डिक्शनरी के ऊपर कॉल करते हो, ये आपको की एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देता है। सो अब ये की है और ये कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, की एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ और जाता हूँ यहाँ पे, एंड ऊपर जाके जो हमारे हेल्पर फंक्शन सेक्शन है, कस्टमर पाइथन हेल्पर फंक्शन अबाउट डेटा के नीचे, अब मैं इस वाले फंक्शन को पेस्ट मारता हूँ और ये फंक्शन मुझे स्टैटिस्टिक पलट के दे रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, दोबारा लूप में जाता हूँ, इस वाले कोड को भी कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके जो नीचे लास्ट बटन था साइड बार के अंदर कस्टमर स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एग्जैक्टली सेम कोड है, बट हाँ ST डॉट सब हेडर डालता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ
कस्टमर स्टेटिस्टिक्स। सो जैसे कोई इस कस्टमर स्टेटिस्टिक बटन पे क्लिक मारेगा तो ये फंक्शन कॉल होकर सारा स्टेट्स निकालेगा। और अब हमने लूप चलाया, लेकिन स्ट्रीमलेट के अंदर आपको पता है कि प्रिंट नहीं चलता बल्कि राइट चलता है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ आप सेम रखें। सो अगर मैं यहाँ पे आओ और डैशबोर्ड के अंदर जाके इस ऐप को रिफ्रेश मार के दिखाओ, ब्राउज़र फाइल करता हूँ, अब मैं अबाउट डेटा सेट के अंदर भी जा सकता हूँ। ये फंक्शनैलिटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यू कैन क्लियरली सी। लेट मी जूम आउट अ बिट, काफ़ी जूम इन है, मैं इसको 10 पे रखता हूँ। एंड कस्टमर स्टैटिस्टिक्स, दिस इज़ द कस्टमर स्टैटिस्टिक, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू, फ्यूचर इनसाइट, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसको समझना, इस कोड को इम्प्लीमेंट करना आपने ज़रूर सीखना है, क्योंकि इस डैशबोर्ड स्पेशली डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट में आप फ्यूचर इनसाइट निकालते हो, ठीक है। तो ऐसे के लिए अब देखने एक और चीज़ है, यहाँ पे हम प्योर पेंडास लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, तो आप पेंडास के बहुत सारे टेक्निक्स यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स ऑल्सो इम्प्लीमेंट फ्यूचर इनसाइट। सो सबसे पहले मैं फ्यूचर इनसाइट के लिए निकालता हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट डालता हूँ प्रोजेक्टेड टोटल स्पेंड फॉर नेक्स्ट ईयर। तो उसके लिए मुझे जाहिर सी बात है कौन से कॉलम निकालना होगा, टोटल स्पेंड। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन डीएफ के अंदर जाके आई लॉक मेथड से, और मुझे पता है कि वो 9 इंडेक्स पर पड़ा है, उसका मैं निकाल सकता हूँ। ये वही सेम है, लेकिन यहाँ पे आप फ़र्क को समझोगे। हाँ, जब मैं ये कंप्लीट फ्यूचर इनसाइट निकालूंगा ना, इसको मैं कहता हूँ एवरेज मंथली स्पेंड। सो हमने क्या किया कि एक कस्टमर का हमारे डेटा के अंदर कॉलम में 9 इंडेक्स पे पड़ा है, जिसका मतलब है टोटल स्पेंड, वो निकाला और उसका एवरेज निकाला। तो मतलब मंथली बेस पे एक कस्टमर कितने आवर स्पेंड करता है, उसका हमने एवरेज निकाला। अब ये एवरेज हमने क्यों निकाला, ये इसलिए निकाला क्योंकि हमने इसे फ्यूचर इनसाइट प्रेडिक्ट करनी है, कि फ्यूचर में अगर एक मंथ है उसमें फिर एवरेज कस्टमर की एवरेज स्पेंड कितनी होनी चाहिए। यू विल अंडरस्टैंड अ बिट लेटर, बट अब मैं इस एवरेज मंथली स्पेंड वेरिएबल को मल्टीप्लाई करता हूँ 12 से, क्योंकि साल में 12 मंथ होते हैं और यहाँ पर मुझे 12 यूज़ करना है। और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करता हूँ लेंथ ऑफ डीएफ। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो एवरेज है तमाम कस्टमर्स के लिए, जो हमने एवरेज निकाला उन्होंने मंथली स्पेंड किया था काम या आवर्स में, उसको सबसे पहले हमने पूरे साल के साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर जितना भी रिजल्ट आया उसको मल्टीप्लाई किया तमाम कस्टमर्स के साथ। तो अब मेरे पास क्या आना चाहिए, प्रोजेक्टेड टोटल स्पेंड नेक्स्ट ईयर। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ प्रोजेक्टेड टोटल स्पेंड नेक्स्ट ईयर। सो ओवरऑल यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम कस्टमर ने जो जितने भी कस्टमर है डेटा सेट के अंदर उन्होंने कितना स्पेंड किया है उनका एवरेज निकाल के हम नेक्स्ट ईयर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, और वो उसके लिए आप जस्ट ये कोड यूज़ कर रहे हो। दिस इज़ कॉल्ड डेटा एनालिसिस, यानी आप इनसाइट निकाल रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास है चरण प्रेडिक्शन। सो चरण प्रेडिक्शन यहाँ पे मैं कमेंट डालता हूँ, चरण प्रेडिक्शन इन द सेंस इफ चरण रेट, चरण आपके पास दो वैल्यू है, पहले आप चरण को समझो, 0 और 1। 1 रिप्रेजेंट करता है नाराजगी एंड 0 रिप्रेजेंट करता है नॉट नाराजगी। सो इफ चरण रेट रिमेन्स द सेम एक्सपेक्टेड, दिस शुड बी एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड चरण नेक्स्ट ईयर। मतलब अब मैंने कुछ इस तरह कोड इम्प्लीमेंट करना होगा कि अगर करंटली चरण रेट्स सेम रिमेन करता है, कंटिन्यूसली सेम है, तो इसका मतलब यह है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी आप या आपका जो चरण है वो सेम हो। अदरवाइज आप क्या करते हो, मशीन लर्निंग मॉडल्स रन करते हो, उससे भी ये काम आसानी से कर सकते हो, बट चूंकि ये डेटा एनालिसिस है तो हम पांडास लाइब्रेरी की हेल्प लेंगे। सो चरण रेट मैंने निकालना होगा, सबसे पहले तो मुझे एवरेज निकालनी होगी चरण रेट की। उसके लिए अगेन आपको जाना होगा आई लॉक
और ये आपका 11th इंडेक्स पे पड़ा है, उनका मीन निकालूं। अब मेरे पास चरण रेट का एवरेज आ गया, तो चरण रेट जस्ट आइडिया लगाओ मैंने क्या करना होगा, मैंने इसको मल्टीप्लाई करना होगा डेटा सेट की लेंथ से, यानी तमाम कस्टमर से, चाहे वो खुश हो या ना खुश, उन सब से मैंने मल्टीप्लाई करना होगा एवरेज रेट को। दिस विल बी नोन एज योर प्रोजेक्टेड चरण नेक्स्ट ईयर। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ प्रोजेक्टेड चरण नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अगर मैं आपको प्रोजेक्टेड चरण नेक्स्ट ईयर दिखाऊँ, दिस इज़ द वैल्यू, ये आपका प्रेडिक्शन है चरण के लिए नेक्स्ट ईयर का। टोटल कस्टमर कुड बी लाइक दिस, जो चान हो गया खुश ना खुश। नेक्स्ट हमने क्या करना था, थर्ड नंबर पे हमने फ्यूचर इनसाइट इस डेटा से जो लेनी है, इट कुड बी लाइक आप ये देख सकते हो सपोर्ट कॉल्स। सपोर्ट कॉल्स के आपने जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए कस्टमर काम करते हैं, आपने कितना सपोर्ट इनको किया है। सो मेरे डेटा के अंदर एक कॉलम है, पहले मैं एक कॉमेंट डालता हूँ, इनक्रीज सपोर्ट कॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेडिक्ट नेक्स्ट ईयर एवरेज सपोर्ट कॉल्स इफ ट्रेंड कंटिन्यूज। तो मैं ये भी यहाँ पे ऐड करता हूँ, बस बेसिकली ये कॉमेंट में बाद में ऐड कर दूंगा। बट अगर मैं डेटा के अंदर जाऊँ और मेरे पास एक कॉलम है सपोर्ट कॉल्स, अगर मैं ये कॉल कर दूँ तो इसके अंदर यू विल सी सम वैल्यू, सम कंटिन्यूस वैल्यूज। 5.0 एक परसेंटेज है जो ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी ने अपने कस्टमर को दिया है एज अ सपोर्ट। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं मालूम कि ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, ये किस टाइप का सपोर्ट रिप्रेजेंट करता है, बट दीज आर द वैल्यूज जो रिप्रेजेंट करता है कि एक कस्टमर को एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ने कितना सपोर्ट किया है। सो हमने करना क्या है, सबसे पहले तो इसका भी हमने एवरेज निकालना होगा। सो द प्रोसेस विल बी सेम, आप ये कॉलम निकालो, आपका ये जो कॉलम है आई थिंक 5 इंडेक्स पर पड़ा है। पहले तो आपको यहाँ पे आई लॉग मेथड कॉल करनी होगी, फिर आप मीन निकालते हो एंड फिर एक वेरिएबल में आप इसको स्टोर करते हो लाइक एवरेज सपोर्ट कॉल्स, एवरेज सपोर्ट कॉल्स, और फिर आप अपना मेन लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हो नेक्स्ट ईयर प्रेडिक्शन के लिए। सो अब इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कस्टमर को हर साल 10% इंक्रीज देता हूँ। मान लेते हैं कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी और अपने कस्टमर को साल में 10% इंक्रीज देता हूँ सपोर्ट कॉल्स के लिए। तो बहुत ही सिंपल है, मैं जस्ट एवरेज सपोर्ट कॉल्स को जो मैंने निकालना है 1.1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये 1.1 आपका रिप्रेजेंट करता है पर ईयर 10%, तो ये होगा आपका प्रोजेक्टेड सपोर्ट कॉल्स इंक्रीज पर नेक्स्ट ईयर। क्योंकि हमारा मेन गोल ये था कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस रिकॉर्ड यानी प्रीवियस सपोर्ट कॉल्स हमने नेक्स्ट ईयर प्रेडिक्ट करना है कि ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर को कितना सपोर्ट दे सकता है। तो हमने बाय डिफॉल्ट रखा है 10% और प्रीवियस एवरेज हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। मैं यहाँ पे कुछ इस तरह डालता हूँ लाइक दिस, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो हमने जस्ट उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मुझे बताएगा नेक्स्ट सपोर्ट कॉल्स इंक्रीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू क्लाइंट्स आर कस्टमर। तो अब मैं फाइनली इस रिजल्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ प्रोजेक्टेड सपोर्ट कॉल्स इंक्रीज। सो हमने ये भी निकाल दिया। फोर्थ नंबर पे हम पेमेंट डिले ट्रेंड देख सकते हैं कि अगर ये जो करंट डिले है वो कंटिन्यूज करता है इंक्रीजमेंट की तरफ तो प्रेडिक्ट करो कि फ्यूचर एवरेज डिले कितना होना चाहिए। यानी यहाँ पे डिले का क्या मतलब है डेटा सेट के अंदर, सो मैं आपको दिखा देता हूँ। फोर्थ नंबर पे है आपका प्रेडिक्ट डिले, मैं अभी के लिए शॉर्ट कमेंट डालता हूँ, बाद में कोड शेयर करने से पहले इन कमेंट को मैं डिटेल वाइज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो दिस इज द डेटा सेट जिसके अंदर आपके पास से एक कॉलम आई थिंक डिले नाम है उसका, नो आई थिंक द नेम कुड बी पेमेंट डिले। सो दिस इज द पेमेंट डिले। अब ये कस्टमर है जो जीरो इंडेक्स पे पड़ा है, इनको 18 दिन बाद पेमेंट किया गया,
या अच्छा, इस इंफॉर्मेशन की दो रीजन हो सकते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुझे भी नहीं है। एक तो ये है कि इस कस्टमर ने ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को जो पेमेंट करना था वो 18 दिन डिले किया, या इस ऑर्गेनाइजेशन ने कस्टमर को पेमेंट देने में 18 दिन डिले किया। दिस कुड बी 18 डेज और आवर्स, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंटायर डिले वी हैव टू प्रेडिक्ट कि फ्यूचर में डिले कितना हो सकता है हर कस्टमर के लिए। सो अगेन, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली निकाल द एवरेज ऑफ पेमेंट डिले। सो यू हैव टू गो टू योर डेटा सेट, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फॉर दिस 6 इंडेक्स पड़ा कॉलम जो कि है पेमेंट डिले, और उसका आपने मेन निकालना है, एज सिंपल एज दैट। और फिर आप फाइनली यहाँ पे आप परसेंटेज रखते हो, लेट से हम 5% रखते हैं। सो एवरेज पेमेंट डिले को आप मल्टीप्लाई कर दो 1.05, ये डिफॉल्ट डिफॉल्ट इंक्रीज है। अज्यूम करते हैं कि कंपनी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने 5% इंक्रीज रखा है डिले में। सो जस्ट मल्टीप्लाई कर दो एंड फाइनली यू विल गेट द नेक्स्ट ईयर प्रेडिक्शन फॉर पेमेंट डिले। सो व्हाट कुड आई डू, आई कैन स्टोर दिस प्रोजेक्टेड अगेन, एक वेरिएबल में मैं इसको स्टोर करता हूँ, प्रोजेक्टेड पेमेंट डिले इंक्रीज। ठीक है, नाउ द 5 फ्यूचर इनसाइड कुड बी सब्सक्रिप्शन अपग्रेड। हमारे डेटा के अंदर एक फीचर है, 5th नंबर पे है सब्सक्रिप्शन अपग्रेड। देखना, जब आपके कस्टमर होते हैं तो आप उनको सब्सक्रिप्शन देते हो, या जो आपके कस्टमर होते हैं वो आपको भी सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो हमारे डेटा के अंदर कॉलम है सब्सक्रिप्शन टाइप। इसके अंदर बेसिकली आपके पास 3 वैल्यू हैं, अगर मैं इसके ऊपर वैल्यू काउंट्स को काउंट करूं, आपके डेटा के अंदर 14 लाख सॉरी इकायदा इस सेकना हज़ार 10,000 लाख 1,49,128 ऐसे कस्टमर है जिनकी सब्सक्रिप्शन टाइप है स्टैंडर्ड, और यू हैव अगेन 1,48,678 ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन टाइप प्रीमियम है और बाकी बेसिक है। सो अब हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन प्रेडिक्शन मारनी है कि इट कुड बी स्टैंडर्ड और इट कुड बी प्रीमियम और इट कुड बी बेसिक। सो ये इसके लिए आप क्या करते हो, इन सबसे पहले तो आपने यहाँ पे थोड़ा बहुत फिल्टरिंग करना होगा डाटा से। अगर आपने मेरे पेंडा सीरीज़ को एक्सेस किया है तो वहाँ पर ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो फिल्टरिंग के लिए सबसे पहले आप अपने डेटा के अंदर जाके, मेरे पास 2 कंडीशन हैं, सो मैं यहाँ पे और ऑपरेटर लगाता हूँ कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो चलेगा। सो फर्स्ट कंडीशन ये है कि DF के अंदर जाके DF पे आई लॉक मेथड को कॉल करके जो मेरा सब्सक्रिप्शन टाइप कॉलम है जो 7 इंडेक्स पे पड़ा है वो तमाम, सॉरी 7 इंडेक्स पे वो तमाम के तमाम उठाओ और उसको चेक करो कि क्या वो इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन है। अगर ऐसा है तो जस्ट उन कस्टमर्स को, उन वैल्यूज़ को फिल्टर करो जिनकी सब्सक्रिप्शन टाइप स्टैंडर्ड है, लेकिन ये भी चेक करो कि वो बेसिक हों। तो मैं एग्जैक्टली इस वाले पार्ट को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, उप्स, यहाँ पे बेसिक। सो ओवरऑल यहाँ पे मैं फिल्टरिंग कर रहा हूँ डेटा से उन कस्टमर्स का जिनकी सब्सक्रिप्शन टाइप स्टैंडर्ड है या बेसिक है। तो उन कस्टमर्स को उठाओ जिनकी सब्सक्रिप्शन टाइप इट कुड बी स्टैंडर्ड और इट कुड बी बेसिक, दैट्स वाई और ऑपरेटर हमने यूज़ किया, दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो चलेगा। और इसको मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड एंड बेसिक यूजर्स, स्टैंडर्ड एंड बेसिक यूजर्स। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ स्टैंडर्ड एंड बेसिक यूजर्स, नाउ यू विल गेट ओनली दोज यूजर इन दिस डेटा सेट जिसकी सब्सक्रिप्शन टाइप या तो स्टैंडर्ड है या बेसिक है।
ठीक है। नाउ वी विल इंप्लीमेंट द मेन लॉजिक। सो मान लेते हैं कि कंपनी ने 15% अपग्रेड लगाया है या ऑर्गेनाइजेशन ने, तो फिर आप अगेन मल्टीप्लिकेशन से काम चलाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द लेंथ कि टोटल यूजर कितने हैं। सो उसके लिए आप लेंथ फंक्शन निकालते हो। सो टोटल यूज़र है 292,154 ऐसे यूज़र्स हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन टाइप है स्टैंडर्ड एंड बेसिक। तो अब हम उनके लिए प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी ने तो रखा है 15%, तो हम 0.15 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो मैं इसको कहता हूँ प्रोजेक्टेड अपग्रेड्स, प्रोजेक्टेड अपग्रेड्स। सो नाउ यू विल हैव फ्यूचर प्रोजेक्टेड अपग्रेड्स इन दिस वेरिएबल। लेट्स डू द फाइनल पार्ट, दैट इज टेन्यूर ग्रोथ, दैट यू हैव टू एस्टिमेट हाउ मच टेन्यूर माइट इंक्रीज इफ रिटेंशन स्ट्रेटजीज आर इम्प्रूवड। यानी अगर कंपनी ये इम्प्रूव करे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कस्टमर है वो खुश है या ना खुश, यानी अगर वो चर्न को इम्प्रूव करे, तो कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इससे आपका जो कस्टमर है उसका टेन्योर बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर मेरे कंपनी में एक कस्टमर है जिसने 5 साल काम किया है और वो नाखुश है, तो अगर मैं उसकी नाखुशी को कन्वर्ट करता हूँ खुशी में, इम्प्रूव करता हूँ उसकी चर्न को, तो वो आगे 5 साल काम कर सकता है, तो फ्यूचर में उसकी जो प्रेडिक्शन है वो 10 साल, पहले ऑलरेडी 5 साल वो आगे बढ़ सकता है। सो फर्दर 5 साल कस्टमर की प्रेडिक्शन हो सकती है, अपग्रेडेशन हो सकती है, किसके लिए, टेन्योर के लिए। तो वो कोड अब हम यहाँ पे करते हैं। सो यहाँ पे 6 नंबर पे हैं, टेन्योर ग्रोथ लाइक दिस। सो सबसे पहले वी हैव टू एक्सट्रैक्ट एवरेज टेन्योर। उसके लिए df.iloc मेथड से आप टेन्योर थर्ड इंडेक्स पे पढ़ा था आई थिंक, वो निकालते हो और उसका मीन निकालते हो, और उसके बाद फिर आप प्रोजेक्टेड टेन्योर निकालते हो ग्रोथ के लिए। वो कैसे निकालते हैं, जो आपने एवरेज टेन्योर निकाला है, एवरेज टेन्योर आप जो ऑलरेडी निकाल चुके हो उसको मल्टीप्लाई करते हो 1.2। नाउ दिस 1.2 अगेन 20% इम्प्रूवमेंट है रिटेंशन में। कम मान लेते हैं कि कंपनी ने इम्प्रूव किया 20% रिटेंशन में, यानी खुशी या ना खुशी चान में, तो उससे हमने मल्टीप्लाई किया अपने तमाम टेन्योर की एवरेज को, तो ये होगा आपका ग्रोथ। नाउ लेट्स प्रिंट ऑल दिस। सो मैं क्या करता हूँ, इन सबको यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब मैं एक प्योर फंक्शन बनाऊँगा जिसका नाम होना चाहिए फ्यूचर इनसाइट्स। सो डेफ, उप्स नॉट हियर, इट शुड बी हियर, डेफ फ्यूचर इनसाइट्स। इसके पास एक df आएगा, अब इसमें मैं वो सारा कोड कर दूंगा, और इस फंक्शन को जब मैं कॉल करता हूँ तो इसको मैं df पास करता हूँ और ये पलट के मुझे फ्यूचर इनसाइट देगा। सो लेट मी क्विकली इम्प्लीमेंट दिस। सी गाइज, अब आपने समझना है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस वाले कोड को पेस्ट करता हूँ। अब ये एग्जैक्टली वही कोड है जो हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, प्रोजेक्टेड टोटल स्पेंड फॉर नेक्स्ट ईयर अज्यूमिंग सिमिलियर बिहेवियर, ये वही सेम कोड है। उसके बाद चर्न प्रेडिक्शन इफ चर्न रेट आर रिमेन्स द सेम, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट द चर्न कुड बी द सेम फॉर नेक्स्ट ईयर। उसके बाद हमने इंक्रीज़ किया था सपोर्ट कॉल्स को, और हमने प्रेडिक्ट करना था नेक्स्ट ईयर एवरेज सपोर्ट कॉल्स को अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूज हैं, बाय गिविंग सम ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यूज इन परसेंटेज। उसके बाद हमने पेमेंट डिले ट्रेंड देखा था, फिर हमने सब्सक्रिप्शन अपग्रेड्स देखा था, फिर टेन्योर ग्रोथ देखा था, लेकिन फाइनली हमने क्या किया, इसका भी एक डाटा सेट बनाया विद कॉरिस्पॉन्डिंग नेम एंड दैट वैल्यू। अब जब आप इस फंक्शन को रन करते हो यहाँ पे, अब हम जस्ट क्या करते हैं, उप्स थोड़ा सा ऊपर करके आपको मैं दिखा देता हूँ। सो मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ और एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ फ्यूचर स्टेट्स, और फ्यूचर इनसाइट्स भी आप कह सकते हो, बट आई वुड लाइक टू गिव इट अ नेम लाइक फ्यूचर इनसाइट्स। और फ्यूचर इनसाइट्स वाले फंक्शन को कॉल करके मैं इसको df पास करता हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर ये जो है ना सेम हो जाएगा, इसको हम नाम देते हैं फ्यूचर इन
और उसके बाद फिर मैंने, अब ये चूँकि एक डिक्शनरी है, सो अगर मैं आपको फ्यूचर फ्यूचर इंट्स दिखाऊँ तो ये एक डिक्शनरी है। तो अगेन हमने वही सेम लूप चलाना होगा, जो एक की निकालेगा और एक वैल्यू निकालेगा, किससे, फ्यूचर इंट से, बाय यूजिंग आइटम्स फंक्शन। उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ एफ स्ट्रिंग, सबसे पहले की को, और उसके बाद राउंड भी करना चाहूँगा वैल्यू को विद टू, और उसके बाद ये हो गया अपना प्रिंट। लेट मी रन इट नाउ, यू आर गेटिंग एग्जैक्टली फ्यूचर इंसाइट्स फॉर ईच प्रोजेक्शन दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड। नाउ लेट्स डू द सेम थिंग इन पाइचार्म। सो फंक्शन मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, यानी इसको इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, तो ऊपर आता हूँ। ये है हमारे कस्टम सेक्शन, तो ये लास्ट फंक्शन था, इसके नीचे आके मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ ये कोड। ना आप कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एग्जैक्टली वही कोड है। दिस इज़ द फ्यूचर इनसाइट फंक्शन, और फिर ये फंक्शन हमें रिटर्न करता है इनसाइट्स को। सो हम नीचे जाके मेन के अंदर कस्टमर स्टेटिस्टिक के बाद एग्जैक्टली यही सेम कोड है, चूँकि तो मैं इसी को कॉपी करके एक और बटन बनाता हूँ। बाहर आके यहाँ पे एक और बटन बनाता हूँ, मैं इसको पीछे की तरफ धकेलूँगा बाय प्रेसिंग शिफ्ट टैब, ठीक है। सो इस बार ये होगा कस्टमर फ्यूचर इनसाइट्स, और इस बटन को मैं नाम देता हूँ कस्टमर, बल्कि फ्यूचर इनसाइट नाम देता हूँ मैं इसको, फ्यूचर इनसाइट्स। सो यहाँ पे भी मैं कहूँगा फ्यूचर स्टेटिस्टिक भी कह सकते हो, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनसाइट्स। अब यहाँ पे कस्टमर स्टेटिस्टिक फंक्शन कॉल करने के बजाय हमारा जो फ्यूचर्स इनसाइट फंक्शन है उसको कॉल किया, मीनिंग जब कोई इस वाले बटन पे क्लिक करेगा तो कॉल हो जाएगा फ्यूचर इनसाइट फंक्शन। उसको हम ऑलरेडी डेटा सेट पास कर चुके हैं, वो पलट के जितने भी 6 फ्यूचर इनसाइट्स थे उसका एक डेटा सेट रिटर्न करेगा, और इसको मैं नाम देता हूँ फ्यूचर इनसाइट्स, बल्कि मैं इनको नाम देता हूँ फ्यूचर इंट्स। और फिर मैं अगेन इस पर एक लूप चलाऊंगा, यहाँ पे इसको रिप्लेस करता हूँ, और ये उसका करस्पॉन्डिंग की एंड वैल्यू प्रिंट करके देगा, ए सेम लाइक दिस। सो मैं जाता हूँ अपने डैशबोर्ड ऐप में, इसको रिफ्रेश करके मैं यहाँ पे ब्राउज करता हूँ डेटा सेट को, जिसका नाम है चंद डेटा सेट, और मुझे इसको रिफ्रेश करना होगा क्योंकि थर्ड बटन यहाँ पे आ नहीं रहा। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट, द थर्ड बटन वॉज फ्यूचर इनसाइट। आई थिंक मुझे इसको रन करना होगा क्योंकि बीच में काफ़ी सारे ब्रेक आ गया, तो मैं इसको एक बार फिर से रन करके दिखा देता हूँ। आई थिंक द इशू इज़ दिस। सो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रीमलेट, उसके बाद रन, उसके बाद ऐप का नाम जो कि है डैशबोर्ड डॉट पाई। सो मैं इसको रन करता हूँ, नाउ यू कैन सी फ्यूचर इनसाइट बटन एज वेल। सो मैं यहाँ पे ब्राउज करता हूँ, दिस इज द डाटा सेट फ्यूचर इनसाइट्स, नाउ यू आर गेटिंग फ्यूचर इनसाइट्स एज वेल, एज यू कैन सी फ्यूचर स्टैटिस्टिक्स में यू आर गेटिंग ऑल द फ्यूचर इनसाइट्स वैल्यूज। यू कैन ऑल्सो सी अबाउट डाटा सेट इफ यू क्लिक ऑन दिस बटन, यू आर ऑल्सो एबल टू व्यू और डिस्प्ले दिस थिंग्स। नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट the most important part of this project, graphs and plots visualization, basically dashboard. तो मैं आता हूँ अपने पाइचार्म के अंदर, यहाँ पे एक कमेंट डालता हूँ कस्टमर डैशबोर्ड। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की फ्लो को समझो, जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट है या जो बिगिनर स्टूडेंट है वो इस प्रोजेक्ट की फ्लो को समझो। यहाँ पे मैं एक एस टी डॉट साइड बटन डाल, साइड बार के अंदर जाके एक बटन डालता हूँ, और इसको नाम देता हूँ डैशबोर्ड या कस्टमर डैशबोर्ड, और इसको अभी के लिए पास करता हूँ। देखना हमारा जो कंपाइलर है, जब आप इस प्रोजेक्ट को रन करते हो तो आपका कंपाइलर, बेसिकली पाइथन के अंदर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों होते हैं, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपका कंपाइलर मेन से स्टार्ट होगा, ऊपर सब कुछ वो इग्नोर मारेगा, कोई ज़रूरत नहीं इन फंक्शन की, जितने भी आपने यहाँ पे फंक्शन यूज़ किए हैं। इसको हल्का सा जूम आउट करता हूँ,
ताकि मैं आपको चीज़ें दिखा सकूं। सो फ्लो ये है कि आपका जो पाइथन कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले इन दो चीज़ों तीन चीज़ों को प्रिंट करके दिखाएगा, उसके बाद जाएगा साइड बार दिखाएगा, साइड बार के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी आपने की है जब आप उन पर क्लिक करते हो तो वो होगा, जैसे कि डाटा अपलोड ऑप्शन है। उसके बाद देखना यहाँ पे अबाउट डेटा सेट बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो कंपाइलर मिया यानी आपका जो इंटरप्रेटर है वो यहाँ पे देखेगा कि अबाउट डीएफ फंक्शन है, तब ये आगे नहीं जाएगा, ये पीछे दौड़ेगा, यानी फिर ये स्टार्ट से देखेगा, फिर स्टार्ट से इसको देखेगा इग्नोर मारेगा, इसको देखेगा इग्नोर मारेगा, इसको देखेगा इग्नोर मारेगा, लेकिन यहाँ पे वो देख रहा है कि कोई फंक्शन डिफाइन है बाय द नेम ऑफ अबाउट डीएफ, तब ये फिर इसके अंदर जाके वो सब कुछ करके पलट के आपको रिजल्ट देगा, फिर ये जंप मारेगा वहाँ जहाँ पे आपने इस फंक्शन को कॉल किया था। तो ये फंक्शन आपने कॉल किया था नीचे, कहाँ पे कॉल किया था, यहाँ पे कॉल किया था, तो रिजल्ट ये यहाँ पे देगा, फिर ये कंटिन्यू करेगा अपना जर्नी और यहाँ पे जो भी आप प्रिंट कर रहे हैं वो होगा। और ये सेम चीज़ फिर जब आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो आपका इंटरप्रेटर इस फंक्शन को दे के वापस जाएगा, वहाँ से कैलकुलेशन करके रिजल्ट यहाँ पे जनरेट करके देगा। सो ओवरऑल यहाँ पे ये एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग हमने इंप्लीमेंट की है, आप लॉजिक को समझना। अब देखना हमने एक बटन बनाया है बाय द नेम ऑफ कस्टमर डैशबोर्ड, जब कोई इस पर क्लिक करे तो यहाँ पर हम कुछ प्लॉट्स दिखाएंगे और उन प्लॉट्स के लिए हम ऊपर कुछ फंक्शंस बनाएंगे। बट लेट्स गो टू जुपिटर नोड। सी गाइज, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। फर्स्ट यू विल लर्न हाउ टू जनरेट ग्राफ्स एंड प्लॉट्स बाय यूजिंग सम फंक्शनैलिटी ऑफ ओनली पेंडास लाइब्रेरी। वी आर नॉट गोइंग टू यूज मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न लाइब्रेरी। मैं जस्ट आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप पेंडास से भी विजुअलाइजेशन कर सकते हो। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। डैशबोर्ड वाले पार्ट का जो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आप डेटा से इनसाइट इंफॉर्मेशन कैसे प्लॉट्स के थ्रू अपने क्लाइंट्स को दिखा सकते हो, यानी आप डेटा से इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज फॉर्म में कैसे देख सकते हो। दिस इज़ द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट ये है कि ठीक है जुपिटर नोटबुक में आप कोड कर सकते हो विजुअलाइजेशन के लिए, लेकिन जब आप डेवलपमेंट पार्ट में यानी पाइथन के अंदर किस तरह अपने ऐप के अंदर चीज़ों को विजुअलाइज करके दिखा सकते हो ग्राफ्स एंड प्लॉट्स को। सो यू विल लर्न थ्री थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डेटा एनालिसिस डेवलपर जो डेटा साइंस के अंदर मोस्टली डैशबोर्ड पे काम करता है पाइथन के थ्रू। हालांकि आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं लाइक पावर बीआई, एक्सेल के अंदर भी है, लेकिन चूंकि आप डेटा साइंटिस्ट हैं तो आपको तो चीज़ें जड़ तक आनी चाहिए। जड़ मजबूत हो उतना ही आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप पावर बी आई टैबल्यू या एक्सेल से डेटा एनालिसिस के प्लॉट्स एंड विजुलाइजेशन करते हों तो ज़ाहिर सी बात है डिमांड तो उन चीज़ों की भी है लेकिन आपकी सैलरी भी कम होगी। लेकिन अगर आप पाइथन से करते हो तो फिर आप एक प्रोग्रामर हो, आप एक डेवलपर हो, क्योंकि जो टैबलो है या पावर बीआई है उसके पीछे भी पाइथन की कोड है। वहाँ पे जब आप जस्ट ड्रॉप डाउन करते हो विजुअलाइज करते हो तो उसके पीछे बेसिकली पाइथन कोड है। सो आप डेवलपर के तौर पे आओगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले मैंने करना क्या है कि मैं एज की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊँ, जितने भी कस्टमर है डेटा के अंदर मैं यहाँ पे कमेंट डालता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑफ एज। सो देखना अगर मैं अपने डेटा के अंदर जाके एज वाले कॉलम को कॉल करूँ तो ये जितने भी कस्टमर हैं उनकी एज है। इसमें जो सबसे छोटे उम्र का कस्टमर है मैं उसकी एज देख सकता हूँ 18 साल का है, और सबसे बड़े उम्र का देख सकता हूँ 65 साल का है। सो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे इस के ऊपर प्लॉट वाले फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ जो कि पेंडाज आपको प्रोवाइड करता है। अब ये प्लॉट इंटरनली सपोर्ट करता है डिफरेंट प्लॉट्स को, लाइक बार प्लॉट, लाइक स्कैटर, लाइक बॉक्स प्लॉट। तो उसके लिए फिर आप काइंड पैरामीटर यूज़ करके यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बता सकते हो वो बार जो आप जनरेट करना चाहते हो। तो मुझे हिस्टोग्राम चाहिए क्योंकि मैं हिस्टोग्राम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहता हूँ एज की। और फिर आप फर्दर इसके अंदर जाके बीन्स ऐड कर सकते हो, आप जाके कलर ऐड कर सकते हो लाइक स्काई ब्लू मैं हर बार के लिए चाहता हूँ, रेड भी आप दे सकते हो। एक और पैरामीटर है एज, ये मुझे सजेस्ट नहीं करा, मुझे मैनुअली टाइप करना होगा। एज कलर, किनारों वाली कलर भी यहाँ पे आप दिखा सकते हो लाइक अभी के लिए मैं चाहता हूँ ब्लैक हो। सो इफ़ आई रन दिस इज़ द प्लॉट, ठीक है, यू कैन क्लियरली सी। अब यहाँ पे
देखना 18 साल हमारा मिनिमम था और मैक्सिमम 65 साल का था कस्टमर। तो 18 से लेके 65 साल की डिस्ट्रीब्यूशन है। सो यहाँ पे वो लोग जिनकी एज 18 और तकरीबन 22 के बीच में है, उनकी फ्रिक्वेंसी है लगभग 43 और 45,000। 45,000 ऐसे लोग हैं जिनकी एज 18 और 22-23 के बीच में है। लेकिन अब देखना यहाँ पे जिनकी एज, ऐसे लोग जिनकी एज 40 और 50 के बीच में है वो ज़्यादा है। वहाँ पे जब हमने स्टैटिस्टिक निकाला तो मिनिमम भी 40 बता रहा था कोई। सो ऐसे लोग जिनकी एज 40 और 45 के बीच में है वो सबसे ज़्यादा है, 60,000 ऐसे लोग हैं। और बड़े उम्र के लोग बहुत कम है, आप देख सकते हो लाइक 50 और 65 के बीच में जो लोग हैं वो आपके पास लगभग 28,000 आई थिंक या 29,000 के करीब हैं। सो ओवरऑल बार प्लाट आप यानी हिस्टोग्राम प्लाट आपको डिस्ट्रीब्यूशन देता है, ये आपको पांच चीज़ें बताता है। सबसे पहले मिनिमम वैल्यू, दूसरे नंबर पर मैक्सिमम वैल्यू, तीसरे नंबर पर एवरेज एज यानी जो सबसे एवरेज एज के लोग हैं, ये थर्ड हो गया। चौथे नंबर पर डिस्ट्रीब्यूशन आपके वाई पे बता रहा है। पांचवें नंबर पर इसकी जो व्यू है वो एक्सप्लेनेबल है। सो ये हिस्टोग्राम के बारे में आप देख सकते हो। लेकिन चूंकि हमने प्रॉपर ये दिखाना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अब मैटप्लॉटलिब की हेल्प हम लेंगे। सो फ्रॉम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर जाके पाई प्लॉट को SPLT इंपोर्ट कर दो, क्योंकि मैंने टाइटल दिखाने हैं तो वो पेंडाज आपको प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए PLT.title के अंदर मैंने बताना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज। उसके बाद एक्स एंड वाई मैंने बताना है, तो मुझे पता है कि एक्स PLT लाइब्रेरी के अंदर जाके एक्स लेबल को कॉल कर सकता हूँ। एक्स पे क्या है, ये आपका एक्स है, एज है, तो दिस शुड बी एज। और y पे क्या है, ये आपका बेसिकली y है, PLT.y लेबल। y पे आपका होना चाहिए फ्रिक्वेंसी, या डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कह सकते हो या काउंट भी आप कह सकते हो, सो इट शुड बी फ्रिक्वेंसी। एंड फाइनली आप इसके ऊपर एक और फंक्शन कॉल कर सकते हो लाइक PLT.show। नाउ यू कैन सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज इज द टाइटल, फ्रिक्वेंसी आ गया आपका y लेबल पे, x लेबल आपका एज आ गया। लेकिन हम इसको फंक्शनल बनाएंगे। सो मैं क्या करता हूँ, इस तमाम के तमाम कोड को यहाँ से कट मारता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ बाय द नेम ऑफ डेफ एज डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर इसके अंदर एक डेटा सेट आएगा और फिर मैं ये कोड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इन सब को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे ओनली टेप प्रेस करता हूँ ताकि मैं आगे की तरफ ले जा सकूँ। अब इस फंक्शन से बाहर आके मैं जस्ट इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसको मैं df पास करता हूँ, तो ये मुझे प्लॉट जनरेट करके देगा। ठीक है, सो ये तो था एज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ लेट्स प्लॉट एवरेज फॉर टोटल स्पेंड बाय सब्सक्रिप्शन टाइप। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पहले तो मैं एक कमेंट डालता हूँ ताकि आप समझ सको चीज़ों को। सो एवरेज टोटल स्पेंड, आप एवरेज करो टोटल स्पेंड को बाय सब्सक्रिप्शन टाइप, कि एक कस्टमर को आपने दिया है सब्सक्रिप्शन टाइप स्टैंडर्ड, तो आप एवरेज निकालो उसका कि अगर एक कस्टमर है और उसकी सब्सक्रिप्शन टाइप है लेट्स से स्टैंडर्ड और बेसिक, तो आप निकालो कि उसने टोटल स्पेंड किया कितना किया। तो उसके लिए फिर अगेन आपको क्या करना होगा, पेंडाज लाइब्रेरी की हेल्प लेनी होगी। लेकिन इस बार हमने हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन टाइप वी हैव टू गेट टोटल स्पेंड। उसके लिए पेंडर्स लाइब्रेरी के अंदर ग्रुप बाय मेथड आप यूज़ करते हो। बड़े डिटेल से मैं पढ़ा चुका हूँ अपने पेंडाज ट्यूटोरियल के अंदर। सो सब्सक्रिप्शन टाइप वाले कॉलम को यहाँ पे कॉल कर दो और उसका निकाल दो टोटल स्पेंड। सो अगर मैं रन कर दूँ इसको, यू विल गेट एन एरर बिकॉज ग्रुप बाय मेथड एक्सेप्ट सम मैथमेटिक्स फंक्शन लाइक काउंट निकालना चाहते हो, मीन निकालना चाहते हो, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना चाहते हो, एवरेज निकालना चाहते हो। सो वी आर इंटरेस्टेड इन एवरेज, सो व्हाट इज द एरर, लेट्स चेक इट। सब्सक्रिप्शन टाइप नाम हमने गलत दिया है, तो मुझे अब डेटा के अंदर जाके देखना होगा कि इसका असल स्पेलिंग क्या है। सो df डॉट कॉलम्स और
और यहाँ पे आके दिस इज़ द सब्सक्रिप्शन टाइप, आई थिंक मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, सो लेट मी कॉपी एंड लेट मी रिप्लेस हियर, लेट मी रन इट। नाउ यू आर गेटिंग स्टैटिस्टिक एवरेज फॉर ऑल थ्री, बेसिक, प्रीमियम, स्टैंडर्ड। ये है आपके सब्सक्रिप्शन टाइप जो आपने कस्टमर को दिए हैं। और कस्टमर ने फिर कितना काम किया, यानी कि टोटल स्पेंड कितना किया, उसका बेसिक के लिए एवरेज है दिस, जो कि ज़्यादा है बेसिक के लिए, प्रीमियम के लिए कम है, और स्टैंडर्ड के लिए भी कुछ हद तक ज़्यादा है। सोरा यहाँ पे आपने निकाला तीनों सब्सक्रिप्शन के लिए टोटल स्पेंड एवरेज में। अब हम इसको प्लॉट कर देंगे, तो जस्ट आप यहाँ पे प्लॉट फंक्शन को कॉल करके काइंड दे दें बार, इस बार हमें बार प्लॉट चाहिए, और कलर भी आप रख सकते हो लाइक, मुझे कलर अभी के लिए रेड के बजाय लाइट ग्रीन में रखता हूँ। सो अगर मैं इसको रन कर दूँ, ये देखें बिल्कुल बराबर था, मोस्टली बराबर था, लेकिन बेसिक जो था ना वो हल्का सा 2 के बरक्स ज़्यादा था, ओवरऑल सबका बराबर था, ठीक है। 633, 632 एंड 634 कुछ इस तरह था आई थिंक, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। सो ओवरऑल अब यहाँ पे आपने क्या किया, इनसाइड निकाला सब्सक्रिप्शन टाइप के लिए टोटल स्पेंड का, तमाम कस्टमर का। अब अगेन ये सेम काम हम एक फंक्शन में करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक्स एंड वाई भी देंगे और टाइटल भी देंगे। सो लेट्स आल्सो डू दिस। सो अब हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है एवरेज टोटल स्पेंड बाय सब्सक्रिप्शन टाइप, जिसके पास एक डेटा आ रहा है। सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन टाइप के लिए टोटल स्पेंड का मीन निकाल रहे हैं, फिर उसको प्लॉट कर रहे हैं विद कॉरिस्पॉन्डिंग टाइटल एक्स वाई एंड शो, और फंक्शन को कॉल करके डेटा पास किया। तो जैसे आप इसको रन करोगे यू विल गेट द सेम थिंग, ठीक है। नाउ लेट्स क्रिएट अनदर प्लॉट फॉर आर डैशबोर्ड। इस बार हम सर्कल यानी पाई प्लॉट यूज़ करेंगे जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर मैं आपको पहले कमेंट या कमेंट को छोड़ देते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर मैं डेटा के अंदर जाके जेंडर कॉलम को कॉल करके इसके ऊपर वैल्यू काउंट्स को कॉल कर लूँ, यू वुड सी कि हमारे डेटा के अंदर मेल की तादाद ज़्यादा है, जो कि 2,50,252 है इन कंपेरिजन टू फीमेल। सो इसके ऊपर आप प्लॉट कॉल करके काइंड ऑफ जस्ट यहाँ पे दे दे पाई, सो यू वुड सी दिस सर्कल। अगर आप इसको बड़ा देखना चाहते हो तो आप पी एल टी लाइब्रेरी फिगर यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, लाइक यहाँ पे आप पी एल टी लाइब्रेरी के अंदर जाके फिगर मेथड को कॉल करके फिग साइज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो 10 inches width, आई थिंक हाइट है, width है एंड 6 inches हाइट। नाउ आपका ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। सो ये ब्लू कलर एरिया रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन इन परसेंटेज फॉर मेल, जो कि ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू फीमेल। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रॉपर यहाँ पे परसेंटेज में नंबर देते हैं। सो उसके लिए एक पैरामीटर आप यूज़ करते हो ऑटो पी सी टी, यानी ऑटो परसेंटेज, ओ यू टी ओ सी पी टी, ऑटो परसेंटेज विल बी इक्वल टू, एक बिल्ट इन फॉर्मेट है जो आप देते हो, परसेंट 1.1f, यानी फ्लोट में मैं चाहता हूँ विद दिस बिल्ट इन पैरामीटर। सो अब अगर आप इसको रन करते हो, यहाँ पे मैंने ऑटो पी सी टी का स्पेलिंग मिस्टेक किया है, पी सी टी यानी परसेंटेज। नाउ यू कैन क्लियरली सी दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजिंग पाई प्लॉट फॉर मेल एंड फीमेल, ठीक है। अब हम इसको अभी एक प्रॉपर फंक्शन, सो दिस इज़ द फंक्शन, यू कैन क्लियरली सी दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस फंक्शन बट द नेम इज जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इस बार हमने फिगर सेट किया, पाई प्लॉट है, बाकी हर चीज़ सेम है। सो लेट मी रन इट, यू कैन क्लियरली सी टोटल स्पेंड टाइटल को मुझे चेंज करना होगा, टाइटल यहाँ पर होनी चाहिए जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इस प्लॉट में आपका कोई लेबल नहीं होनी चाहिए। सो नाउ यू हर जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस प्लॉट। लेट मी प्लॉट अनदर पाई, दिस टाइम फॉर टोटल स्पेंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय कॉन्ट्रैक्ट लेंथ। अब देखना, जब आपके कंपनी में कोई कस्टमर आता है वो, उसको जब आप हायर करते हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेट से 2 साल के लिए आपने काम करना होगा, आप 2 साल से पहले छोड़ नहीं सकते, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है।
तो उसके लिए DF के अंदर जाके अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट वाले लेंथ वाले कॉलम को कॉल करूँ तो इसमें तीन वैल्यूज़ हैं आपके पास। कुछ कस्टमर्स हैं जो एनुअल बेस पे कॉन्ट्रैक्ट किया है, कुछ कस्टमर हैं जिन्होंने क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट किया है, और कुछ कस्टमर्स हैं जो मंथली बेस पे कॉन्ट्रैक्ट हैं। सो अब हम अगेन इसका भी वो जो है ना पाई प्लाट निकालेंगे। सो बिल्कुल सेम है, कुछ खास नहीं है। अच्छा, पाई प्लाट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने टोटल स्पेंड डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है बाय कॉन्ट्रैक्ट लेंथ। सो सबसे पहले तो आप DF के ऊपर जाके ग्रुप बाय मेथड से निकालना होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेंथ, आई थिंक द स्पेलिंग इज ओके, और हमने निकालना है टोटल स्पेंड की टोटल स्पेंड का मीन, सॉरी सम इस बार, मीन नहीं चाहिए हमें, सम चाहिए। सो अगर मैं ये रन कर लूँ आप देख सकते हो क्लियरली कि ये कॉन्ट्रैक्ट है एनुअल के लिए, टोटल सम ये है जो कि काफ़ी बड़े बड़े वैल्यू आ रहे हैं, मंथली के लिए टोटल इज दिस एंड क्वार्टरली के लिए इज दिस। सो आप देख सकते हो कि जिन्होंने मंथली बेस पे काम करना है वो ज़्यादा है, उनकी जो टोटल स्पेंड है वो ज़्यादा है। सो अब हम ये प्लॉट में दिखाएंगे। सो मैं प्लॉट काइंड आपका वही पाई, इसके लिए मैं क्या करता हूँ एक फिगर बनाता हूँ PLT डॉट फिगर फिग साइज विल बी इक्वल टू 10 इंचेस बाय 6 और 8 लेट्स। और अब अगर मैं रन कर लूँ, एक पैरेंथेसिस मिसिंग है यहाँ पे। सो अब ये प्लॉट बड़ा बड़ा दिख रहा है, और फिर आप इसमें डिफाइन कर सकते हो ऑटो PCT विथ 1.1 फ्लोट वैल्यू परसेंटेज, और आप कलर भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास तीन कलर है, मैं क्या करता हूँ एक फंक्शन बनाता हूँ, फिर ये हर चीज़ वहाँ पे डाल के दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द फंक्शन जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन टोटल स्पेंड बाई कॉन्ट्रैक्ट लेंथ। इसके पास एक DF आ रहा है, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट लेंथ के लिए टोटल स्पेंड का सम निकाल रहे हैं, फिर वही प्लॉट। अब यहाँ पे एक कलर्स पैरामीटर है जिसको मैंने 3 वैल्यूज़ दिए हैं, और ये 3 वैल्यूज़ इन 3 डब्बों को रिप्रेजेंट करते हैं एरियाज़ को। अगर मैं आपको रन करके दिखाऊँ, सो यू वुड सी नाउ वी हैव डिफरेंट कलर्स फॉर ईच सेक्शन। सो सबसे ज़्यादा जो है वो है एनुअल 41.5%, एंड उसके बाद 41.3 फॉर क्वार्टरली एंड देन मंथली। ठीक है, नाउ एक दो और प्लॉट जनरेट करते हैं ताकि हमारा डैशबोर्ड और भी अच्छा दिखाई दे। दो प्लॉट और जनरेट करते हैं, बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चर्न रेट बाय जेंडर निकालेंगे। तो कोड ऑलरेडी हो चुका है, मैं जस्ट सो दिस इज़ द कोड। चर्न रेट बाय जेंडर एक फंक्शन है जिसके पास एक डेटा आ रहा है। हमारा गोल ये था कि हम चर्न के लिए चर्न की डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सके जेंडर वाइज। तो हमने क्या किया, जेंडर वाइज चरण का एवरेज निकाल के 100 से मल्टीप्लाई किया। दिस इज चरण रेट बाय जेंडर। उसके बाद हमने चरण रेट बाय जेंडर को जो है ना प्लॉट किया। ठीक है, और बार प्लॉट कलर दिस कोरल, बाकी चीज़ें एज इट इज। अब अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ, दिस इज द चरण रेट बाय जेंडर, दिस आर द फीमेल्स। सो मतलब फीमेल के केस में चरण ज़्यादा है, चरण मतलब हैप्पी नहीं है कस्टमर, जो फीमेल कस्टमर है हैप्पी नहीं है और कुछ है, और मेल के केस में कम है। सो दिस इज ओवरऑल चरण रेट बाय जेंडर। नाउ द लास्ट प्लॉट वी हैव टू डू एज डिस्ट्रीब्यूशन बाय जेंडर यूजिंग हिस्टोग्राम प्लॉट विथ सम काइंड ऑफ अल्फा। लेट मी डू दैट एज वेल। सो यहाँ पे अगेन एक फंक्शन है जिसके पास डेटा आ रहा है, और हम यहाँ पे सबसे पहले फिल्टरिंग करके मेल का एज निकाल रहे हैं। दिस इज़ प्लॉटिंग फॉर मेल हिस्टोग्राम, एंड दिस इज़ प्लॉटिंग फॉर फीमेल हिस्टोग्राम, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद टाइटल है और बाय की एक्स एंड वाई। सो लेट मी शो यू नाउ हिस्टोग्राम है, तो देखना आपके पास जो मेल है वो 18 से
50 के बीच में है। दिस ब्लू कलर मेल को रिप्रेजेंट करता है, ये उनकी फ्रिक्वेंसी है और ज़्यादा तादाद मेल की है। लेकिन जो फीमेल की एज है वो यंग भी है, यानी 18 से लेके, दिस कलर रिप्रेजेंट फीमेल अंटिल 65। सो मतलब 50 से ऊपर तो सारे फीमेल्स हैं, मेल है ही नहीं, मे भी हो पीछे डिसअपियर हो, बट ज़्यादातर फीमेल हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो कि फीमेल की फ्रिक्वेंसी भी कम है। अब इस डैशबोर्ड का मतलब क्या है? इस डैशबोर्ड का मतलब ये है कि हमने 6 प्लॉट्स जनरेट किए, जो ग्राफ्स जनरेट किए, जो हम इनसाइट निकाल रहे हैं इस डेटा से विजुलाइजेशन के थ्रू। अब हम पाइचाम के अंदर जाके प्रॉपर लीन प्लॉट्स को डायनामिकली जनरेट करके देखते हैं। सो होगा क्या, मैं पाइचाम में आ गया हूँ कि जब कोई यहाँ पे इस वाले डैशबोर्ड वाले बटन पे क्लिक करता है तो डैशबोर्ड दिखना चाहिए। सो ऊपर जाके पहले तो मैं जितने भी कस्टम फंक्शन हमने अभी तक बनाए हैं, मेन से ऊपर वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सो मैं इसको हल्का सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। डैश बोर्ड फंक्शंस हियर, अब पहला फंक्शन क्या था? पहला फंक्शन था डेफ एज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हमने जनरेट करना था, इसके पास एक डाटा आता था। अब इस बार थोड़ा सा हम चीज़ों को चेंज कर देंगे। देखना, चूंकि हम अब डेवलपमेंट वाले पार्ट में डायनामिकली ग्राफ जनरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर मैटप्लॉट लाइब्रेरी आपके पास लाजमी होनी चाहिए, जो आपको सब प्लॉट जनरेट करके दें। तो मैं यहाँ पर आके इम्पोर्ट करता हूँ मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी। तो ये भी आप इंस्टॉल कर लेना अपने टर्मिनल के अंदर। सो नीचे आके इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं एक फिगर बनाऊंगा और उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एक्सेस बनाऊंगा। फिग एन एक्स विल बी इक्वल टू पी एल टी डॉट यानी मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी। इसके अंदर एक सब प्लॉट्स फंक्शन है, दो फंक्शन है, एक है सब प्लॉट, एक है सब प्लॉट्स। सब प्लॉट्स आपने कॉल करनी है। ये क्या करेगा? ये अब सब प्लॉट जनरेट करेगा। इस सब प्लॉट को फिर आप आगे पीछे पास कर सकते हो और इस सब प्लॉट के ऊपर हम एग्जैक्टली वो सेम कोड करेंगे जो हमने प्रीवियसली किया था। सो मैं जल्दी वो कोड उठाता हूँ, या बल्कि मैं मैनुअली आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने जाके डी एफ के अंदर जाके एज वाले कॉलम को कॉल करके इसके ऊपर हमने कॉल किया था प्लॉट, और फिर कांड हमने रखा था हिस्टोग्राम, फिर हमने बिन्स रखे थे कुछ 10 रखे थे आई थिंक। कलर हमने डिफाइन किया था स्काई ब्लू एंड देन एज आई थिंक हमने डिफाइन किया था एज, कलर था या ब्लैक। एंड अब यहाँ पे आप एक्स बताते हो, ठीक है। ये एक्स हमने क्यों डिफाइन किया? क्योंकि मुझे ये पूरा का पूरा प्लॉट इस एक्सेस के ऊपर चाहिए यूजिंग दिस फिगर। अब इस एक्स के थ्रू आप टाइटल को सेट कर सकते हो, ना कि मैट प्लॉट लिब के थ्रू, क्योंकि मैट प्लॉट लिब ने आपको फिगर ऑलरेडी दिया है। सो एक्स के अंदर जाके सेट टाइटल, और टाइटल हमने क्या दिया था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज। और एक्स के अंदर जाके आप सेट एक्स लेबल करते हो, और एक्स लेबल पे था आपका एज, इसी को मैं कंट्रोल डी करता हूँ। फिर आप वाई लेबल करते हो, और यहाँ पे था आपका फ्रीक्वेंसी। एंड फाइनली अब आप प्रिंट करने के बजाय, शो करने के बजाय रिटर्न करते हो जस्ट फिगर को। तो होगा क्या, जैसे ही डेटा इस फंक्शन के पास आएगा, ये फंक्शन आपको एक ग्राफ जनरेट करके देगा, और ये ग्राफ, ये प्लॉट हम इस फंक्शन से रिटर्न करा रहे हैं। सो नीचे आके मैं इसको डिस्प्ले करके देता हूँ। सो यहाँ पे देखे मैं इस फंक्शन को पहले कॉल करता हूँ। इस फंक्शन का नाम था एज,
डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ और इसको एक डीएफ जाना चाहिए। अब नीचे सबसे पहले मैंने पहले एक इस ग्राफ को यहाँ पे गेट करना होगा। ये फंक्शन जो मुझे देगा तो फिगर मुझे पलट के देगा। अब मैं एक हेडर डालता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ st.sub हेडर और इसको मैं नाम देता हूँ एज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद st लाइब्रेरी के अंदर जाके ये आपका मेन पार्ट है पाई प्लॉट को आप कॉल करते हो और इसको फिगर पास करते हो। और ये मैनली ये चीज़ जो है ना, यानी ये पाई प्लॉट ऊपर वेब ऐप के अंदर आपका जो भी फिगर जनरेट हुआ है वो प्रिंट करके देगा। सो मैं क्या करता हूँ, इस ऐप को एक बार फिर से रन करके दिखा देता हूँ। स्ट्रीमलेट रन डैशबोर्ड डॉट पाई। दिस इज टेकिंग टाइम। सो ये देखें कस्टमर डैशबोर्ड, मैं डाटा को अपलोड मारता हूँ और यहाँ पे चंद डाटा सेट आ गया। और उसके बाद जैसे मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो एज डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्लॉट आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि साइड बाय साइड दो प्लॉट हों, तो उसके लिए फिर पहले तो मैं जो दूसरा प्लॉट था वो यहाँ पे लेकर आता हूँ। जल्दी से इन देखना, समझने की कोशिश करना, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम ऑलरेडी बना चुके हैं एक ग्राफ के लिए फंक्शन, तो बाकियों के लिए मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, चूँकि जो जुपिटर नोटबुक में है एग्जैक्टली सेम है, जस्ट यहाँ पे हमने फिग एंड एक्स ऐड किया है, ठीक है। सो वो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। नाउ लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू, समझने की कोशिश करना। सो ये है हमारा डैशबोर्ड फंक्शन फॉर ग्राफ्स। एज डिस्ट्रीब्यूशन ये हमें ग्राफ जनरेट करके दे रहा है एज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके बाद ये जो फंक्शन है, लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग, या ये जो फंक्शन है एवरेज टोटल स्पेंड सब्सक्रिप्शन टाइप हमें ग्राफ जनरेट करके दे रहा है, हम ऑलरेडी जुपिटर नोटबुक में देख चुके हैं। जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन पलट के ये दे रहा है। टोटल स्पेंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय कॉन्ट्रैक्ट लेंथ के लिए जो ग्राफ हमें जनरेट करके दे रहा है वो ये है। उसके बाद 400 के बाद फिर आपके पास है एज डिस्ट्रीब्यूशन। सो टोटल वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो दो ग्राफ हैं इनको मैं साइड बाय साइड हॉरिजॉन्टल ले देखा हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये दो ग्राफ यानी जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन एंड टोटल स्पेंड डिस्ट्रीब्यूशन बाई कॉन्ट्रैक्ट लेंथ साइड बाई साइड, देन लास्ट टू ग्राफ्स। सो नीचे आके अब ये वो बटन है डैशबोर्ड का कि जब कोई इस पर क्लिक करेगा इस डैशबोर्ड बटन पे, मैंने थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे किए हैं, तो कस्टमर डैशबोर्ड के ऊपर जाना चाहे। सो सबसे पहले मैं साइड बाय साइड दिखाना चाहता हूँ एज वाला ग्राफ एंड स्पेंड वाला ग्राफ। सो देखना यहाँ पे, समझने की कोशिश करना, मैं दो कॉलम डिफाइन करता हूँ, कॉल वन कॉल टू। उसके बाद st. यानी स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है कॉलम, उसको मैंने बताया कि दो कॉलम मुझे चाहिए। अब पहले कॉलम में कॉल वन के अंदर जाके, कॉल वन के अंदर जाके मैं सबसे पहले st.sub हेडर के अंदर जाके जनरेट करना चाहता हूँ एज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके नीचे फिर जस्ट उस फंक्शन को कॉल करता हूँ जिसका नाम है एज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डाटा पास कर रहा हूँ और ये पलट के मुझे एक फिगर दे रहा है। और इस फिगर को सिंपली मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, यानी स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी डॉट पाई प्लॉट के अंदर जाके फिग को पास करूँ। अब एग्जैक्टली इसी को मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, नीचे आके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और अब यहाँ पे कॉलम टू, और कॉलम टू में हमने क्या दिखाना था, एवरेज टोटल स्पेंड डिस्ट्रीब्यूशन टाइप। और टाइटल में मैं कह सकता हूँ एवरेज स्पेंड सब्सक्रिप्शन टाइप में शॉर्ट रखता हूँ। सो अब होगा क्या, अब इस बटन के क्लिप पे सबसे पहले ये दिखा जाएगा और ये दो कॉलम साइड बाय साइड दिख जाएंगे। सो मैं क्विकली यहाँ पे इसको दोबारा, बल्कि जाके ऑलरेडी मैंने रन किया हुआ था, यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश मारता हूँ, हल्का सा जूम आउट करता हूँ,
यहाँ पे डेटा को ब्राउज करके दिखा देता हूँ चंद डेटा सेट। अगर मैं डैशबोर्ड पे जाऊँ तो अब साइड बाय साइड दो प्लॉट्स होंगे, देखना अब ये साइड बाय साइड हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, दिस लाइन। सो अब मैं बाकी नेक्स्ट रो में साइड बाय साइड और दो दिखाना चाहता हूँ। सो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करके, ये देखें ये अब दो होंगे। मैं बल्कि मैंने वाली टाइप करता हूँ, कॉलम कॉलम वन कॉमा कॉल टू विल बी इक्वल टू, अगेन स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी की मदद से मैं दो कॉलम्स जनरेट करता हूँ और फिर मैं कॉलम वन एंड कॉलम टू में अकॉर्डिंगली नेक्स्ट दो ग्राफ जनरेट करके दिखाऊंगा, जिस तरह ये मैंने किया था। सो लेट मी क्विकली डू दैट एज वेल। सो गाइज, दिस इज़ द पार्ट वेयर वी आर डिस्प्लेइंग आर डैशबोर्ड ऑन क्लिकिंग दिस बटन। सबसे पहले दो कॉलम जनरेट किए हैं और इन दो कॉलम के अंदर मैंने एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरेज सब्सक्रिप्शन दिखाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट रो के अंदर मैंने फर्दर साइड बाई साइड दो कॉलम्स के अंदर दिखाने थे फर्दर दो प्लाट्स, यानी जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन एंड टोटल स्पैन कॉन्ट्रैक्ट लेंथ। एंड लास्टली यहाँ पे अगेन मैंने दो कॉलम बनाए और उसमें लास्ट दो प्लाट्स जनरेट करके दिए। सो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको रिफ्रेश करके दिखाओ डैशबोर्ड, उप्स यहाँ पे पहले मुझे डाटा को अपलोड करना होगा। सो दिस इज़ द डाटा सेट एंड दिस इज़ द डैशबोर्ड। नाउ इन दिस डैशबोर्ड यू कैन क्लियरली सी, पहले हमारे पास एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरेज स्पेंड सब्सक्रिप्शन टाइप दोनों ग्राफ साइड बाय साइड हैं। उसके बाद जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन एंड टोटल स्पेंड कॉन्ट्रैक्ट लेंथ एंड फाइनली चरण रेट बाय जेंडर एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन बाय जेंडर। ठीक है, सो या दिस इज़ द डैशबोर्ड। इसके अलावा आप यहाँ पे अबाउट द डेटा सेट भी देख सकते हो। तो ये फंक्शनैलिटी हम पहले दिखा चुके हैं, दिस इज़ द डेटा फ्रेम सिंपल and after that all the information about the data set you can also view customer statistics। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा इस वीडियो के एंड में, बट या दिस इज़ द कस्टमर स्टैटिस्टिक्स एंड दिज आर द फ्यूचर इनसाइट्स। ओके, एंड दिज आर योर फाइनल डैशबोर्ड। नाउ दिस सिस्टम ओनली सपोर्ट्स फॉर नाउ चरण डेटा सेट, बट यू कैन adapt to any data set, just change the column names wherever you want। So अब आपके लिए असाइनमेंट है कि आप एग्जैक्टली इस कोड को, इस सिस्टम को किसी और डेटा के लिए यूज़ करो। अगर आप किसी और डेटा के लिए आपने इस कोड को अडॉप्ट किया तो इसका मतलब है आपने इस वीडियो को बड़े डिटेल, बड़े गौर से देखा है और हर चीज़ को समझने की कोशिश की है। आपने किसी भी कोड को चेंज नहीं करना है, जस्ट आपने कॉलम्स के नेम्स चेंज करने हैं जो आपकी इस नए डेटा सेट में होंगे। तो यहाँ दैट वॉज द प्रोजेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आसान तरीके से इस प्रोजेक्ट से आपको बहुत कुछ समझाया होगा। एंड अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया है तो आप अपने वो अपना रिव्यू छोड़ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर दूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।